ये अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को लेकर ये थोड़ा सा सर एक मुझे पूरा समझाइए कि उनको लेकर बार बार हमला ये किया जाता है, क्योंकि ये चीजें आई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आई, हाई कोर्ट से आई, तो उसके बाद एक ग्रुप उनके पीछे पड़ गया, ये तो नकली शंकराचार्य है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको शंकराचार्य नहीं घोषित किया तो ये नकली शंकराचार्य है। तो ये शंकराचार्य जी की क्या व्यवस्था है, इनको नकली शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट पे एक रिपोर्टिंग है हमारी मैगजीन में है जिसमें वासुदेवानंद सरस्वती को जो राम मंदिर ट्रस्ट में उनको दस्तावेज से नकली कहा कि वो उन्होंने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है ज्योतिष पीठ को लेकर, तो ये सर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए क्योंकि लोगों के मन में असमंजस है इसको लेके। देखिए, पहली तो बात हमें स्पष्ट कर दें कि असली और नकली, असली और नकली शंकराचार्य का यहाँ प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि यहाँ पर यह विवाद थोड़ा बहुत पुराना है और ये विवाद जो है राजसत्ता ने ही जन्म दिया है। राजसत्ता यानी 1776 ईस्वी में एक स्वामी रामकृष्णानंद जी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, तो टिहरी नरेश जो उस समय प्रद्युम्न शाह थे, कुछ लोग प्रदीप शाह कहते हैं, लेकिन हमारे शोध से प्रमाणित हुआ कि 1776 में प्रदीप शाह नहीं, प्रद्युम्न शाह जो है राजा थे, 1772 में ही प्रदीप शाह की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि उनके राज्य पर बराबर नेपालियों का आक्रमण होता था, मुसलमानों का आक्रमण होता था, कुछ जो है वो सरदार लोग जो थे उनका आक्रमण, सब लुटेरे आक्रमण करते थे। तो पहले उनकी सेना लड़ती थी, बाद में पराजित होने लगी, तो वो क्या किए कि उन लोगों को कुछ कर दे करके, रुपया दे करके जान बचाते थे। इसी क्रम में उन्होंने बद्रिकाश्रम और बद्रीनाथ का मंदिर में जो सोना चांदी रुपया था वो लेना शुरू कर दिया। शंकराचार्य जी ने उसका विरोध किया, तो उन्होंने उस समय चुप बैठे, जैसे ही जो है वो रामकृष्णानंद जी की मृत्यु हुई, उन्होंने उनको चेलों को भगा दिया, और जो नम्बूदरी पाद ब्राह्मण वहाँ पुजारी हुआ करते थे उनको रावल का खिताब दे के छत्र चवर सिंहासन शंकराचार्य का दे दिया और कहा कि अब आप ही बद्रीनाथ के पुजारी हो। पहले बद्रीनाथ के अर्चक, प्रधान अर्चक शंकराचार्य ही हुआ करते थे। अब शंकराचार्य के जो शिष्य थे टोकरानंद जी, उसी समय दुर्भाग्यवश जो है वो भूकंप आ गया और ज्योतिष मठ जो है वो नष्ट हो गया, तो टोकरानंद जी चले गए गुजरात के धोलका में और वहां ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम बना करके वो रहने लगे धोलका में। उनकी 8 पीढ़ी तक वहाँ लगातार आचार्य उनके होते रहे, और 8वीं पीढ़ी के आचार्य ने 9वीं पीढ़ी में फिर जो है वो मठ भी जो है स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को सौंप दिया। तो अविच्छिन्न परंपरा का अगर शंकराचार्य माने तो स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती ही रहे, लेकिन यहाँ हुआ ये था कि चूंकि वो लोग जब धोलका में रहने लगे तो अन्य 3 शंकराचार्यों ने उन लोगों को मान्यता नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों ने यह कहा कि शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी ने 4 लोगों को 4 क्षेत्र में बनाया है, तो अगर आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हो तो जाओ ज्योतिष पीठ में रहो, जोशी मठ में रहो, यहाँ क्यों रहते हो, इसलिए हम लोग मान्यता नहीं देंगे। इसके लिए एक केस भी चल गया 1908 में जो है, द्वारका के शंकराचार्य माधव तीर्थ ने उस समय के ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम धोलका मठ जो था उसके शंकराचार्य मधुसूदन पर्वत के ऊपर केस कर दिया कि इनको शंकराचार्य के रूप में यहाँ से भेंट उपहार लेने का अधिकार नहीं है, ना तो यहाँ शंकराचार्य कह सकते हैं। जिला अदालत से द्वारका के शंकराचार्य जीत गए, मधुसूदन पर्वत के ऊपर इंजंक्शन लग गया, लेकिन हाई कोर्ट से जो है द्वारका के शंकराचार्य हार गए, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य कह के भेंट पूजा ले रहे हैं, आपसे थोड़ी ले रहे हैं, आपके नाम से थोड़ी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उस लाइनेस को 3 शंकराचार्यों ने मान्यता नहीं दिया। और एक भारत धर्म महामंडल नाम की संस्था थी, उसके स्वामी ज्ञानानंद ने 1905 वगैरह में उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया कि ज्योतिर्मठ का पुनरुद्धार हो, इसलिए जो है वो गए, उन्होंने उस समय के जो है वो जो शंकराचार्य थे श्रृंगेरी के, उस समय के शंकराचार्य द्वारका के, उस समय के शंकराचार्य पुरी के, तीनों शंकराचार्यों से उन्होंने पत्र लिखवाया। शंकराचार्यों ने आज्ञा पत्र दिया कि हम आपको अपना प्रतिनिधि मानते हैं और प्रतिनिधि मान करके आदेश देते हैं कि आप ज्योतिर्मठ का पुनरुद्धार करिए, मठ बनाइए, एक सन्यासी को खोजिए, उसको हम लोग शंकराचार्य बनाएंगे। उसके बाद जो है वो
उन्होंने वो जाकर के खोजा, उन्होंने मठ वहां पर बनाया पुराने रिकॉर्ड के अनुसार। और फिर उन्होंने जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे उनको जो है ज्ञानानंद जी ने कहा कि आप जो है यहाँ पर आ जाइए और एक शंकराचार्य ढूंढे हैं उनको बनाइए। तो उन्होंने कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जिसको ढूंढे हो उसको बना दो। तो जो है वो ब्रह्मानंद जी सरस्वती जी को 1 अप्रैल 1941 के दिन ज्योतिर्मठ पर अभिषिक्त करके शंकराचार्य बनाया गया। उसके बाद जो है 1 1941 मई महीने में भारत धर्म महामंडल ने ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट की। उसमें ये सारे विवरण जो हमने बताए कि तीन शंकराचार्यों के पत्र लिखित आदेश से उनके प्रतिनिधि के रूप में उन लोगों ने किया था। तो भारत धर्म महामंडल का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं था, जैसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त करते हैं वैसे ही उनको प्रतिनिधि के रूप में उस कार्य के लिए तीन शंकराचार्यों ने नियुक्त किया था। वो कार्य संपादित हो गया, भारत धर्म महामंडल का रोल खत्म हुआ। अब शंकराचार्यों की मर्जी है उनको प्रतिनिधि बनाए रखते या ना रखते, तो ये उनकी अपनी बात थी। तो उसके बाद ब्रह्मानंद जी की 1953 में मृत्यु हुई, तो उनकी एक वसीयत निकली। वसीयत में उन्होंने चार लोगों को ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जो है वो शांतानंद सरस्वती जी उर्फ राम जी त्रिपाठी, द्वारकेशानंद जी माने वो द्वारका प्रसाद शास्त्री नाम था, बाद में वो द्वारकेशानंद सरस्वती के नाम से सन्यासी हुए, तो उनके लिए लिखा गया था कि द्वारका प्रसाद जी अगर उचित समय पर मुझसे या मेरे किसी शिष्य से संन्यास ले लेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने लिखा विष्णुदेवानंद, फिर उन्होंने लिखा परमानंद, उन्होंने लिखा एक के बाद ये सन्यासी जो है हमारे शिष्य चारों शंकराचार्य होंगे, लेकिन इसमें क्रम बदलने का किसी को अधिकार नहीं होगा। अब जो है जब मीटिंग में ये बात हुई तो स्वामी करपात्री जी जो थे वो भी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे और ब्रह्मानंद जी के शिष्यों में सबसे बड़े विद्वान थे और सबसे वरिष्ठ थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये वसीयत अमान्य, ये तो पहले तो गुरु जी की हो नहीं सकती, ऐसा गलत काम वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनकी है भी तो अमान्य है क्योंकि गुरु से परम गुरु बड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने कहा है कि सुचिर जितेंद्रियो वेद वेदांगादि विशारदा योगज्ञ सर्व शास्त्राणाम समत स्थानम आपनुयात। जो पवित्र हो जितेंद्रिय हो वेद वेदांग आदि विशारद हो वो मेरे स्थान को प्राप्त कर सकता है। उसके आगे उन्होंने लिखा कि अन्यथा रूढ़ोपि निग्रहारोहो मनीषिणाम, और अगर बिना योग्यता के कोई बैठ भी जाए तो उसको मनीषी यानी चार शंकराचार्य लोग उसको हटा दें, बाकी तीन शंकराचार्य उसको हटा दें। तो तीन शंकराचार्यों ने कहा कि नहीं ये अयोग्य है क्योंकि ये सन्यासी होने के कुछ समय पूर्व तक गीता प्रेस गोरखपुर में ये जो है वो बुक बाइंडर या दफ्तरी थे, तो इसलिए इनको वेद वेदांग शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। उन लोगों ने तीन शंकराचार्यों की सहमति से श्री कृष्ण बोध आश्रम जी को शंकराचार्य बना दिया। कृष्ण बोध आश्रम जी की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने कोई किसी को अपनी गद्दी नहीं दी थी, गद्दी फिर खाली मानते हुए तीन शंकराचार्यों ने स्वरूपानंद सरस्वती जी को शंकराचार्य बना दिया। उधर शांतानंद जी ने जो है वो विष्णुदेव अपनी गद्दी छोड़ दी, द्वारकेशानंद जी को शंकराचार्य नहीं बनाया, उन्होंने विष्णुदेवानंद को बना दिया तीसरे नंबर वाले को। तो द्वारकेशानंद जी ने उनके ऊपर केस कर दिया कि पहले मुझे बनाना चाहिए था। अब वो केस उनका चलता रहा। इधर जो है वो विष्णुदेवानंद जी जो हैं वो 1989 में उनका स्वर्गवास हो गया, 89 में स्वर्गवास हो गया। तो वासुदेवानंद जी ने एक अखबार में इश्तहार दिया कि उन्होंने वो एक वसीयत छोड़ कर गए गए हैं और हम जो है वो शंकराचार्य 15 तारीख को बनेंगे। वासुदेवानंद जी विष्णुदेवानंद जी के शिष्य नहीं थे, वासुदेवानंद जी शांतानंद जी के शिष्य थे। तो अब वो जो वसीयत थी, तो जो शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे जो बाद में 1982 में द्वारका के भी शंकराचार्य हो चुके थे, द्वारका शंकराचार्य ने वसीयत लिखी थी। तो वासुदेवानंद जी महाराज ने जब अभिषेक करवाने का निश्चय किया 15 नवंबर 1989 को, तो जो है 9 नवंबर 1989 को शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज ने एक सूट फाइल कर दिया इलाहाबाद में, उस सूट और कि इनको जो है शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त होने से रोक दिया जाए और अन्यथा जो है इनको दंड चवर छत्र धारण करने से
शंकराचार्य के रूप में अपने को घोषित करने से और इनको परमानेंटली रोक दिया गया। अब वो सुनवाई हुई 1999 में, उनको परमानेंटली रोक दिया गया। फिर 2000 में अपील कोर्ट ने भी उसको बाहर रखा। तो मुख्य रूप से 1999 से उनके ऊपर इंजंक्शन लग गया कि वो अपने को शंकराचार्य नहीं कह सकते। तो शंकराचार्य कह ही नहीं सकते तो कानूनन उनके ऊपर रोक लग गई। उसके 2000 के निर्णय के अगेंस्ट में वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने दोनों निचली अदालतों के निर्णय को रद्द कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो इंजंक्शन जब उनके ऊपर लगा था, उस समय का जो दिन है जिस दिन हाई कोर्ट में अपील गई थी, उस दिन का जो है वो स्टेटस को बना रहेगा, ना कि हाई कोर्ट के निर्णय के दिन का। तो यानी उनके ऊपर निषेधाज्ञा जारी रहेगी। साल भर, 6 भर में कोर्ट निर्णय दे दे। कोर्ट निर्णय दे नहीं सका, बहुत दिन तक चलता रहा। 2015 में आखिर में निर्णय हुआ। उस निर्णय में ये कहा गया कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी का संन्यास जो है वो संन्यास नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि 1983 में उन्होंने संन्यास लिया और वो वासुदेवानंद सरस्वती हुए, लेकिन 1989 13 नवंबर तक जो है वो अध्यापक के रूप में सोमनाथ द्विवेदी के नाम में सरकारी विद्यालय में पढ़ाते रहे और जो है वो वेतन सरकारी खजाने से लेते रहे। तो जिसने जो है वो, इसका मतलब ये है कि जिसने अपने गृहस्थ नाम का भी त्याग नहीं किया, माने सोमनाथ द्विवेदी के नाम से वो काम करते रहे, तो वो सन्यासी हुए ही नहीं। और सन्यासी संन्यासोपनिषद नारद परिव्राजकोपनिषद में ये कहा गया है कि कोई वेतन भोगी अध्यापक सन्यासी नहीं हो सकता। तो वेतन भोगी अध्यापक ये थे, इसलिए ये सन्यासी नहीं हो सकते। इसलिए ये सन्यासी क्या, ये सन्यास के नाम पर इन्होंने फ्रॉड किया है, इसलिए जो है इनको जो है एकदम इंजंक्शन लगा करके रोका जाता है। दूसरा, इनको ये भी कहा गया था कि इनको चर्म रोग है, तो इसलिए जो है वो नारद परिव्राजकोपनिषद में ये कहा गया है कि चर्म रोगी भी नहीं हो सकता है। तो चर्म रोगी भी नहीं अगर हो सकता है, यानी इनको श्वेत कुष्ठ था, कुष्ठ रोगी नहीं हो सकता जिसको चर्म रोग है। तो श्वेत कुष्ठ इनको है, इसलिए ये नहीं हो सकते हैं। वो भी ग्राउंड कोर्ट ने बाहर रखा। तीसरा जो है वो वसीयत जो थी, उसको जो है वो लगभग 45 पेज जो है वो निचली अदालत ने उस पर डिस्कस किया। और जो स्वामी शांता विष्णु देवानंद सरस्वती का एक केस में वकालतनामा था, उससे फोरेंसिक एक्सपर्ट को दे करके मिलाया गया, उस पर पाया गया कि वो विष्णु देवानंद जी का हस्ताक्षर नहीं है और वसीयत जो है वो फर्जी जो है वो पाई गई। तो आप ये कह सकते हैं कि फर्जी वसीयत के आधार पर इन्होंने जो है वो लिया जो है वो शपथ, क्योंकि निचली अदालत ने उसको फर्जी जो है वसीयत जो है करार दिया है। और उसके पर्याप्त कारण दिए गए, एक्सपर्ट पेश हुए थे। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात ये थी कि वो वसीयत अप्रैल 1989 में लिखी गई थी। तो जिस दिन वसीयत लिखी गई थी, उस दिन वो अध्यापक थे ही वासुदेवानंद जी, वो तो नवंबर में इस्तीफा दिए हैं। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई विष्णु देवानंद जी की, 1 नवंबर 1989 को, उस दिन भी ये अध्यापक थे। तो ऐसी स्थिति में अगर वसीयत जायज भी रही होती तो नॉमिनेशन अवैध था, क्योंकि जो गैर सन्यासी वेतन भोगी अध्यापक है वो सन्यासी माना ही नहीं जाता, तो फिर वो शंकराचार्य कैसे होगा। तो इस तरीके से हाई कोर्ट और निचली अदालत दोनों ने उनको न सन्यासी मानते हुए उनके ऊपर निषेधाज्ञा बरकरार रखी। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इस बात को कि स्वरूपानंद जी महाराज का इंस्टॉलेशन वैध है, हाई कोर्ट ने उसमें थोड़ा सा ये कहा कि स्वरूपानंद जी महाराज का भी इंस्टॉलेशन वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि शंकराचार्य जी ने जो पुस्तक लिखा है कानून का, मठामनाय महानुशासनम, उसमें लिखा है कि एक पद पर एक व्यक्ति के रहते हुए दूसरा नहीं बैठ सकता। तो उस समय शांतानंद जी 1973 में बैठे थे, वो 1953 से ही बैठे थे। तो 1973 में ये बैठ गए तो एक आदमी बैठा था, तो शंकराचार्य जी के ग्रंथ के अनुसार इनका अवैध है, इसलिए हमने वासुदेवानंद जी पर जो निषेधाज्ञा जारी कर दी वो स्वामी स्वरूपानंद जी के शंकराचार्यत्व को की वैधता नहीं मानी जाएगी।
इसके अगेंस्ट में स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज शंकराचार्य जी सुप्रीम कोर्ट में आ गए, वासुदेवानंद जी महाराज भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए, दोनों लोगों ने अपील फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है ये 2018 में ये इंटरिम आर्डर आदेश पास किया और उसमें उन्होंने एक कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ज्योतिर्मठ के मान्यता प्राप्त शंकराचार्य इन अपीलों के निस्तारण तक बने रहेंगे और स्वामी और ये जो वासुदेवानंद सरस्वती हैं ये जो है एक स्वामी के रूप में जैसे कहीं जमीन में मांग मेला में मांगे भले मांगे लेकिन मैं ये जो है शंकराचार्य स्वरूपानंद जी मान्यता प्राप्त कोर्ट के द्वारा उनको कर दिया गया। उसके बाद जो है वो उनका जब शरीर छूट गया 11 सितंबर 2022 को तो मानी हुई बात है कि जैसे कोई पिता मर जाता है तो उसके स्थान पर उसका पुत्र उत्तराधिकारी अपने आप कानूनी हो जाता है, उसी तरह से उनके मरने के बाद उन्होंने केवल दो लोगों को ही दंड संन्यास दिया था, एक स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती को, एक स्वामी सदानंद सरस्वती जी को, तो दोनों और दोनों के नाम में उन्होंने वसीयत भी लिखा था, एक 1 फरवरी 2017 की उनकी वसीयत थी। वसीयत के साथ साथ उन्होंने जो है वो 1 जुलाई 2022 को एक पत्र भी लिखा था, वसीयत की कापी भी इन लोगों को उन्होंने दी थी, सभी उनके यहाँ जानते थे कि ज्योतिर्मठ का उन्होंने माने रजिस्टर्ड पंजीकृत उनके समय में 2003 से ही उन्होंने जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत रजिस्टर्ड दे रखा था स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कि हमारे सारे ज्योतिर्मठ क्षेत्र का ये काम देखेंगे, वो उनका पंजीकृत रहा, उनकी वसीयत रही, सभी जानते थे। तो ये दोनों को श्रृंगेरी के शंकराचार्य महाराज जो हैं 2007 में चतुष्पीठ सम्मेलन हुआ था बंगलोर में तो उसमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को जो है के साथ जो है मठ पर बैठा के उसमें पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी भी उस पर मंच पर विराजमान है, श्रृंगेरी के शंकराचार्य विराजमान है द्वारका और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज विराजमान है और उसी मंच पर विराजमान स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और स्वामी सदानंद सरस्वती जी हैं। उन्होंने श्रृंगेरी शंकराचार्य को कहा था कि मैंने इनको दंड संन्यास दे के अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, मेरे न रहने के बाद आप इनको विधिवत जो है वो करवा देना सबका। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने 11 सितंबर को अपने जो निजी सचिव और उनके मठ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं डॉक्टर वी आर गौरी शंकर जी को भेजा था, उनकी उपस्थिति में उनका अभिषेक पट्टाभिषेक सब कुछ 11 सितंबर को कर दिया गया था। 12 सितंबर को, 11 को तो उनकी मृत्यु ब्रह्मलीन हुए थे जगत गुरु जी, तो 12 सितंबर 2022 को ये सब संपन्न हो चुका था। उसके बाद सितंबर 2022 में कोर्ट में जब मामला हुआ तो वहां पर ये बताया गया कि जो है वो वहां थोड़ा सा वो हो गया था, लोगों ने जो वहां पर काउंसिल थे उनको सुनने में भ्रम हुआ, उन्होंने कह दिया कि 3 शंकराचार्य भारत धर्म महामंडल सभी ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। बाद में उसमें ये था कि वो 3 शंकराचार्यों में श्री ये पुरी के शंकराचार्य वास्तव में नहीं थे, कांची के जो हैं कांची के भी लोग तो अपने को शंकराचार्य ही कहते हैं उनके प्रतिनिधि थे, उसके कारण वो 3 शंकराचार्यों की बाद में वो पुरी जी की आ गई। बाद में उन लोगों ने अपना क्लैरिफाई लिखित रूप से दे दिया मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने भी कि हमने मैंने वो ब्रह्मवश उन्होंने कह दिया था, पुरी शंकराचार्य के एक शिष्य थे उनको प्रतिनिधि मान लिया समझ लिया था, बाद में उन्होंने बताया कि नहीं मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, और कांची के भी वो शंकराचार्य के थे इसलिए वहां 3 कह दिया गया था, 3 नहीं 2 ने दिया। तो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय होता है 5 जजेस की बेंच हो 7 की हो 13 की हो सर्वसम्मति से कहीं कहीं निर्णय नहीं भी होता है तो मेजॉरिटी का जो होता है वही होता है। तो मेजॉरिटी में द्वारका के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी जिनका पहले अभिषेक पट्टाभिषेक हुआ था उन्होंने, श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज ने दोनों ने अभिषेक पट्टाभिषेक कर दिया। श्रृंगेरी के महाराज जी ने अपने मठ में उनको बुला करके 26 जो है सितंबर को अपने मठ में पट्टाभिषेक कर दिया। तो रह क्या गया, अब फिर झूठ बोलते हुए इन लोगों ने एक फोर्जरी अदालत में किया है, उसको धोखाधड़ी अदालत के साथ किया है कि इन लोगों ने एक फर्जी जो है वो एफिडेविट तैयार किया पुरी शंकराचार्य का, जिसमें ये लिखा गया कि मैं ये अयोग्य हैं जो है मुक्तेश्वरानंद जी इनको जो है हमसे
शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने कहा कि नहीं, इनको मैंने शंकराचार्य बनाया है, वो बना करके इन्होंने एक पिटीशन में लगा करके और कोर्ट के को के सामने ये कहा कि देखिए पुरी के शंकराचार्य जी ने ये कहा है। वास्तव में इन लोगों ने ये तैयार किया था और इन लोगों ने वही जो है वो प्रेषित किया था पुरी शंकराचार्य के यहाँ। इन्होंने सोचा था कि वो इस पर कर देंगे हस्ताक्षर, लेकिन पुरी के शंकराचार्य जी जो है वो भाई त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं, वो काहे गलत करेंगे। उन्होंने अपने अलग अपने वकील को नियुक्त कर दिया और उन्होंने कहा कि एफिडेविट मेरा बना दो। तो उनके एफिडेविट में सीधा खाली ये कहा गया है कि स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी ने न तो मुझसे मान्यता मांगी, न तो किसी ने उनके लिए मान्यता मांगी, तो मुझे मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो बात सही है, न तो उन्होंने मांगा न उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने समझा कि मांगने की जरूरत नहीं है, दो लोग आकर के ऑलरेडी कर चुके हैं तो कोई जरूरत नहीं है। अब जो है वो जो नकली लगा हुआ उसी में इन्होंने कहा बाद में कि इनका 18 को पट्टाभिषेक होने वाला है ज्योतिष पीठ में, पट्टाभिषेक पर रोक लगा दीजिए। तो कोर्ट ने जो है कहा कि भाई ऐसा बात है कि पुरी के शंकराचार्य कह रहे हैं अयोग्य हैं, ये हैं वो हैं। अच्छा भाई, तो हम कहते हैं कि स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अथवा अन्य किसी का ज्योतिर्मठ अथवा अन्य कोई संस्था 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 2022 को न अभी पट्टाभिषेक करे, ये उन्होंने आदेश पास कर दिया। अब ये जो आदेश था ये जो है स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के लिए वरदान साबित हो गया, क्योंकि उनका अभिषेक पट्टाभिषेक तो सब जो है वो 12 को हो ही चुका था, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने 26 को कर दिया था। और लेकिन इससे ये हुआ कि उस समय करीब 20-25 नकली लोग तैयार थे ज्योतिष मठ का शंकराचार्य बनने के लिए। तो अब कोर्ट के आदेश से अब कोई दूसरा तो अपना पट्टाभिषेक अभिषेक करवा नहीं सकता था, तो ये जो है अभिशाप के रूप में वरदान मिल गया उसमें, इसलिए उसको वैकेट करने के लिए हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, भैया रहने दो, कम से कम नकली तो नहीं बनेंगे। तो एक व्यक्ति जो नकली है गोविंदानंद, जो कि शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी का शिष्य भी नहीं है, और उसने जो है वो एक ठू जो है वो कोर्ट में कंटेम्प्ट अप्लीकेशन लगाया कि अपने संघ को शंकराचार्य क्यों कहते हैं, हर जगह वो एक पर चिट्ठी दे देते हैं। तो जस्टिस गवई साहब अभी टेकअप कर रहे थे, बृहस्पतिवार को मामला था, तो उन्होंने कहा साहब हमने कंटेम्प्ट किया है। तो हम लोगों ने कहा भाई ये तो बहेतु जो है घुसपैठिए है कौन, ये तो न तो शंकराचार्य के शिष्य है। अरे भाई स्वामी वासुदेवानंद जी होते तो एक बात भी होती, वो पक्षकार थे, तो ये कौन है। तो उस पर गवई साहब जो है वो बोले कि ऐसा है कि तुम कंटेम्प्ट इसलिए फाइल किए हो कि हम यहाँ कुछ बोले तो जाके मीडिया में प्रचार प्रसार करो, अभी डिसमिस करते हैं, डिसमिस करके बोल दिए। लेकिन चूंकि समय खत्म हो रहा था संभवतः वो डिसमिसल नहीं रिकॉर्ड किया गया, ऐसे ही उन्होंने उसको डांटते हुए बोल दिया था। तो ये तो स्थिति है। तो जहां तक बात असली शंकराचार्य जो है कानूनन मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जो है वो स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, उनके उत्तराधिकारी, उनके वसीयत के आधार पर, और जो हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन है उसके आधार पर जो स्मृतियों में कानून है, याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है कि उसके व्यवहार अध्याय का 100 किसी संस्करण में 141वां श्लोक है, किसी में 137वां, उसमें यही कहा गया है कि सन्यासी का उत्तराधिकारी उसका योग्य शिष्य होता है। तो उसके अनुसार माने जैसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में किसी के पिता मर जाते हैं तो अपने आप उस अधिनियम के प्रभाव से बेटा उत्तराधिकारी हो जाता है, उसके लिए किसी के मान्यता की जरूरत थोड़ी होती है। तो वैसे ही सन्यासियों के कानून के अनुसार उनका जो श्रेष्ठ शिष्य है जिसको उन्होंने कहा है उत्तराधिकारी होता है, तो उन्होंने वसीयत भी लिखी थी और वो दो दंडी शिष्य थे। तो यहाँ पर शंकराचार्य ज्योतिर्मठ स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी नकली नहीं निषिद्ध व्यक्ति हैं, उनको निषेध कर दिया गया है कि आप जो है शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य को घोषित नहीं कर सकते। इसीलिए जब ये राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट बनाया गया था
तो उसमें इनको शंकराचार्य जो है वासुदेवानंद लिख दिया गया था। उसके बाद जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक अप्लीकेशन लगाया गया कि इनके नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लिखा गया, तो चुपचाप इन लोगों ने लिखना बंद कर दिया। राम जन्मभूमि का जो निमंत्रण पत्र आया है उसमें इनका नाम स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती लिखा है। निमंत्रण पत्र तो इनके जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, सरकार के द्वारा जो बनाया गया न्यास है, उसी ने तो निमंत्रण पत्र भेजा है। मुझे भी निमंत्रण पत्र आया है, मेरे पास रखा भी है, मैं भी गया था कार्यक्रम में भाग लेने। तो उस निमंत्रण पत्र में इनको स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती लिखा है, कहीं शंकराचार्य नहीं लिखा है। मुंह से बोल करके भ्रम फैलाते हैं, ये गलत है और एक सन्यासी के लिए अशोभनीय है।